नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइटों के बारे में, कुवैत के बारे में, सऊदी, बहरीन और ओमान चार कंट्रियों को हम इसी एक ही वीडियो में टॉपिक में करेंगे। कुवैत की पूरी फ्लाइटों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सऊदी से रिलेटेड, बहरीन से रिलेटेड और कुवैत से रिलेटेड, ओमान से रिलेटेड। हालांकि ओमान की आपको पता है फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है। डिटेल से जानिए कि भाई कौन से देश की क्या कंडीशन है, जाने वालों की कब से फ्लाइट स्टार्ट हो रही है, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर ला कि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ, कुवैत ने आपको पता भाई 26 अगस्त को कल की भी एक न्यूज़ मेरे पास आई थी। हालांकि कुवैत ने घोषणा तो कर दी थी फ्लाइटों के बारे में, कुछ लगभग 15-16 कंट्रियां ऐसी थी जिनमें हालांकि फ्लाइटें बैन करके रखी थी, लेकिन 6 देशों के लिए कुवैत ने फ्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मिस्र, जी हाँ ये बांग्लादेश, ये जो 6 कंट्री हैं इनके लिए कुवैत की जो सरकार है उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम फ्लाइटें स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, ले भाई आपको पता है दुनिया बैठी है तैयार, उनको एक वर्ड समझ में आ गया, फ्लाइट स्टार्ट हो गई। डेट वो अपनी तरफ से जोड़ देते हैं कब से डेट फ्लाइट स्टार्ट हुई, 22 अगस्त की घोषणा कर दी। आप सब ने देखा, इतने सारे वीडियो बने, न्यूज़ बनी, लेकिन हुआ क्या, लास्ट में DGCA है कुवैत का, उसको एक अपने ट्वीट के माध्यम से ये सफाई देनी पड़ी है कि हमारी तरफ से या किसी एयरलाइंस की तरफ से हमने कोई मंजूरी नहीं दी है, कोई फ्लाइटें हमारी तरफ से डेट घोषित नहीं की गई है। जी हाँ, तो ये आप समझ सकते हैं कि भाई ये कारस्तानी कौन कर सकता है, कारस्तानी ये लोग जो बिना दिमाग के होते हैं, वो अपनी तरफ से डेट जोड़ कर वीडियो में फैला देते हैं। लोगों ने तो टिकट की प्राइस भी निश्चित कर दी, वीडियो में देखा होगा आपने बहुत सारी जगह टिकट की प्राइस दे दी। अब बेचारे गरीब लोग बेचारे जो भी हैं उन्होंने अपने पैसे दे के एजेंटों को पैसे दे दिए, भाई टिकटें बना दें, टिकटों के भाव 40,000 से ले लिए, 50,000 से ले लिए, पता चले टिकट 20,000 में मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा ध्यान रखिए कि यार एक सरकार बोल रही है डेट जब तक फाइनल नहीं हो जाए टिकट कैसे बुक करवा सकते, नहीं करवा सकते ना, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा बात करें कुवैत में जाने वाले कौन है भाई, सबसे ज़्यादा इंडियन है, सेकंड नंबर पे मिस्र के लोग हैं, इन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा तादाद है। फ्लाइटों की डेट अभी फाइनल हुई नहीं है, जैसे ही डेट होगी हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ा वेट करिए, टिकटें बुक नहीं करवानी है आपको। जी हाँ, हम बात करेंगे भाई सऊदी की फ्लाइटों के बारे में क्या स्थिति है। जी हाँ, एक भाई का पर्सनली कमेंट आया कि मैं सर आपके गाँव से ही हूँ, आपने एक वीडियो बनाया उसमें कोई खास जानकारी आपने दी नहीं फ्लाइटों के बारे में। भाई फ्लाइटों के बारे में क्या जानकारी थी, कोई थी नहीं, तो हम आज आपको बता देते हैं भाई। सऊदी की सरकार ने फ्लाइटों की घोषणा कर दी, आप सबको पता है फ्लाइटें स्टार्ट करने की घोषणा करी है, डेट फाइनल नहीं की, इस बात को ध्यान रखिए। जी हाँ, जो 16-17 जितनी भी कंट्रियां थी उन्होंने जो जिनके ऊपर बैन करके रखा था सबको उन्होंने ओपन कर दिया है, जिसमें बात करें भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, UAE, दुबई, इथोपिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, लेबनान, जी हाँ इन सब का फ्लाइटें स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, फ्लाइटें स्टार्ट होने का मतलब घोषणा करिए स्टार्ट नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं भाई कि किन लोगों को सबसे पहले मान्यता मिलेगी। जी हाँ, मान्यता वी सरकार, देखिए हर देश यार गल्फ एक दूसरे के पीछे, आप सबको पता ही होगा, वी सरकार ने स्टार्टिंग किया तो पहले ये बोला कि दुबई में जिनकी टीका लगाए उन्हीं को हम एक्सेप्ट करेंगे, सेम दुबई सऊदी ने बोल दिया कि जिन्होंने सऊदी में टीके लेके गए उन्हीं को हम एक्सेप्ट करेंगे, दो टीके, दोनों टीके जिन्होंने सऊदी में लेके उनके पास सर्टिफिकेट है और वो अपने अपने देश गए थे, जैसे आप सऊदी में टीके लेके इंडिया में आ गए थे दोनों टीके, उसके बाद आपको पता वापस जा नहीं पाए, फ्लाइटें बंद होगी, वही लोगों को फिलहाल एक्सेप्ट किया जाएगा, आज तक की तो डेट में ये घोषणा है। जी हाँ, और सेम दुबई ने भी ये घोषणा की थी, दुबई ने तो 3-4 दिन में दूसरा अपडेट दे दिया था, अब सऊदी अपडेट कब दे ये हम कह नहीं सकते। हालांकि वहाँ पे आपने ऑक्सफोर्ड जो एक्स्ट्राजेन का है इंडिया में जिसको आप बोल सकते हैं कोविशील्ड, उसका टीका उन्होंने मान्य किया, फाइजर, बायोटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्न, सिनोफार्मा, सिनीवे, ये सऊदी ने जो अपने टीके हैं उन्होंने उनको मान्यता दे रखी है। एक टीका भी अगर सऊदी लेके आप इंडिया आ गए, एक टीका इंडिया में लगा दिया, उनको भी मान्यता नहीं है अभी तक की डेट में सऊदी पहुंचने की। जी हाँ, और दूसरी बता दूं कि अब लोग सोचते हैं यार फ्लाइटें तो बंद हैं तो नंबर किधर से जाएगा, तो भाई देखिए फ्लाइटें वैसे बंद हैं लेकिन कुछ फ्लाइटें जो कार्गो फ्लाइट बोल सकते हैं, मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से फ्लाइटें बे नहीं है, फ्लाइटें तो जा रही हैं, थोड़ी बहुत जा रही हैं। अब उनमें आपका नंबर आता है या किस तरह से और फ्लाइटें तो स्टार्ट मुझे नहीं लगता हो पाएंगी। जी हाँ, बाकी हो भी सकती हैं, देखो इस पे आपको फैसला करना है कि किस तरह से आप जाओगे फ्लाइट में। बाकी भाई देखिए मेरी जहाँ तक सोच है कि ये लोग कितने हो सकते हैं भाई, सऊदी से जिन्होंने 2 डोज लेके इंडिया आए थे ज़्यादा नहीं है, 15-20-30,000, 50,000 आदमी होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी इंडिया में तो लाखों बैठे हैं सऊदी में,
सऊदी से छुट्टी आई हुई है, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, वो लोग कब जाएंगे। उम्मीद है जल्दी इनका सबका नंबर भी आने वाला है, क्योंकि एक बार शुरुआत हो जाए ना, ट्रेन एक बार चलना स्टार्ट हो जाए तो तुरंत स्पीड पकड़ लेती है। सेम कंडीशन है, फ्लाइटें तो स्टार्ट हो कम से कम, तो आप सबका भी नंबर आएगा जल्दी। वे सरकार या सऊदी सरकार वे सरकार की तरह घोषणा कर सकती है, भाई जिन्होंने अपने देश में वैक्सीन ली है वो सर्टिफिकेट इस पे डाउनलोड करें और इन सऊदी पहुंच जाएं। सेम वी वाला सिस्टम स्टार्ट हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन सऊदी से रिलेटेड थी। आगे हम बात करें भाई बहरीन से रिलेटेड। भाई बहरीन वाले भी इंडिया में बहुत सारे लोग अस्टक होके बैठ गए थे, उनके लिए भी बहरीन ने आपको पता है सुविधा स्टार्ट कर दी है कि बहरीन लोग वही लोग जा पाएंगे जिन्होंने जिनके वर्क परमिट रेजिडेंशियल वीज़ा वाले हैं, जी हाँ वैलिड वीज़ा वाले, वही लोगों को अभी तक एंट्री दी है। भाई एक्सपायर वीज़ा वालों को या फिर विजिटर्स को या नए वीज़ा वालों को ऐसी कोई घोषणा उनकी तरफ से नहीं की गई है। अगर आपके पास वैलिड बहरीन का वर्क परमिट वीज़ा है तो आप जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास 48 आवर्स का आपके पास PCR रिपोर्ट टेस्ट होना चाहिए QR कोड वाला, जी हाँ, और 10 दिनों का आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा वहाँ पे, या फिर अगर आपके पास खुद का वहाँ पे रूम है, आप रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, किराए का मकान है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मेरा खुद का वहाँ पे रेंशन है, मैं वहाँ पे रह लूँगा, तो वो खर्चा आपका बच सकता है। वरना आपको सरकारी अथॉराइज जो होटल है वहाँ पे रहना पड़ेगा, जिसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, आपके दो भाई टेस्ट होंगे, एक आपका एयरपोर्ट पे टेस्ट होगा जिसकी 24 BD खर्चा लगेगा, जिसका चार्ज रहेगा 24 BD यानी बहरीन दिनार, वो आपका लगेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पूरे आपको बीवेयर आपका एक ऐप है उससे भी भुगतान कर सकते हो, आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप उससे कर सकते हो। एयरपोर्ट पे भी आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी वहाँ पे इस जो मेडिकल का चार्ज है इसका भुगतान आप कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने एक डोज ली है तो आपको 48 घंटे के अंदर जो PCR रिपोर्ट है वो भेजना पड़ेगा। जी, दोनों डोज आपने ले ली, एक एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट होगा, एक आपका 9वें दिन 10वें दिन आपका दोबारा टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अपना प्रोसेस 11वें दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। बहरीन में जो लोग जिनके पास वर्क रेजिडेंशियल वीज़ा है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, आगे कोई अपडेट आई नहीं है दूसरे वीज़ा वालों की, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओमान से रिलेटेड बात कर ले भाई। ओमान ने आपको सबको बताइए 1 सितंबर से फ्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं, आप लोगों के लिए अच्छी बात है। बाकी इसका क्या प्रोसेस कैसे है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा, बाकी आप अपने स्तर पे पता लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई लगभग सभी देशों ने फ्लाइटें गल्फ देशों ने स्टार्ट कर दी हैं। सबसे पहले बात करें तो भाई कतर ने स्टार्ट की थी, उसके बाद दुबई ने, उसके बाद जैसे सऊदी, कुवैत, बहरीन, ओमान, सब देशों ने फ्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और कुछ जैसे कुवैत है, सऊदी है भाई, उनका भी स्टार्ट फ्लाइटें रूटीन में 1-2 दिन में आई जाना है, कब से डेट स्टार्ट वो अपनी घोषणा करते हैं। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय